अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। अब इसका पहला पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस अगेन एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसके अंदर ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और ऐड कर देंगे। जो राइट पे मैट्रिक्स है उसमें ये ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 2 इंटू ए इज इक्वल टू -1 -4 3 6 +2 3 -1 -2। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगी, 4 3 2 2 इंटू ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस हमारे पास ऐड हो रही हैं, इन दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1 +2 -4 +3 3 -1 and 6 -2। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 2 इंटू ए इज इक्वल टू -1 +2 is 1 -4 +3 is -1 3 -1 is 2 and 6 -2 is 4। अब हम इन इक्वेशंस को जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इनको नेम दे देते हैं। इसको नेम दे देते हैं बी का और इसको नेम दे देते हैं सी का। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, बी इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमने ए फाइंड करना है, तो बी को हम सबसे पहले राइट साइड पे मूव करेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है कि दोनों साइड्स पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैट्रिसेस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। और जब कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज पिछले चैप्टर्स में काफी डिटेल में पढ़ी हुई है। तो आई इंटू ए क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। नेक्स्ट हमने अब बी का इनवर्स फाइंड करना है एंड उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बी लिख लेते हैं। बी है हमारे पास 4 3 2 2 एंड सी है 1 -1 2 4। अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो वो फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 3 2 2। डिटरमिनेंट हम लोग वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2 is 8 माइनस सेकेंड डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 is 6 8 - 6 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज है वो इंटरचेंज हो जाती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड 2 की जगह 4 आ जाएगा। और सेकंड डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन बदल जाते हैं, तो 3 की जगह -3 आ जाएगा एंड 2 की जगह -2 आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स आ जाएगा वन ओवर टू इंटू एडजॉइंट ऑफ बी विच इज टू माइनस थ्री माइनस टू फोर। नेक्स्ट हम अब फाइंड करेंगे ए। तो ए की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो ए आ जाएगा बी इनवर्स की जगह लिखेंगे वन ओवर टू इंटू टू माइनस थ्री माइनस टू फोर। एंड सी की जगह जो हमने मैट्रिक्स अज्यूम की थी सी के इक्वल वो आ जाएगी विच इज वन माइनस वन टू फोर। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन ओवर टू फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू इंटू वन इज टू माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू माइनस थ्री इंटू फोर इज माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू एंड फोर इंटू टू इज एट। नेक्स्ट है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस टू इंटू माइनस वन इज टू एंड फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वन ओवर टू, टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर, माइनस टू माइनस ट्वेल्व इज माइनस फोर्टीन, माइनस टू प्लस एट इज सिक्स एंड टू प्लस सिक्सटीन इज एटीन। अब यहाँ पे वन ओवर टू इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस फोर इंटू वन ओवर टू माइनस फोर्टीन इंटू वन ओवर टू सिक्स इंटू वन ओवर टू एंड 18 इंटू वन ओवर टू। नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस फोर इंटू वन ओवर टू क्या होता है, माइनस टू, माइनस फोर्टीन ओवर टू इज माइनस सेवन, सिक्स ओवर टू इज थ्री एंड 18 ओवर टू इज नाइन। तो ये आ गया हमारे पास ए जो कि है माइनस टू माइनस सेवन थ्री एंड नाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि है ए इंटू थ्री वन फोर टू माइनस माइनस वन टू थ्री वन इज इक्वल टू टू जीरो माइनस वन फाइव। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स माइनस हो रही है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ए इंटू थ्री वन फोर टू इज इक्वल टू टू जीरो माइनस वन फाइव प्लस माइनस वन टू थ्री वन। अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी ए इंटू थ्री वन फोर टू इज इक्वल टू टू माइनस वन जीरो प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री एंड फाइव प्लस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू थ्री वन फोर टू इज इक्वल टू टू माइनस वन इज वन जीरो प्लस टू इज टू माइनस वन प्लस थ्री इज टू फाइव प्लस वन इज सिक्स। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको नेम दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं बी का एंड इसको नेम देते हैं सी का। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए
पी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमने ए फाइंड आउट करना है, उसके लिए बी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको किसी तरह राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं आप। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी बी इनवर्स इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। अब यहाँ पे बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आ जाएगा ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। अब ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, वापस ए के इक्वल, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू सी इंटू बी इनवर्स। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। सबसे पहले यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी हमारे पास है 3, 1, 4, 2 एंड सी क्या है 1, 2, 2, 6। अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो यहां पे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी 3, 1, 4, 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 is 6 माइनस जो सेकंड डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1 is 4, तो 6 minus 4 क्या आ गया 2। अब 2 हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब बी का इनवर्स एक्सिस्ट करता है। उसके लिए अब क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डायगोनल होता है उस पर जो एंट्रीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड 2 की जगह 3 आ जाएगा, और दूसरे डायगोनल में जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, तो 1 की जगह आ जाएगा -1 एंड 4 की जगह -4। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी विच इज 2 माइनस 1 माइनस 4 3। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम बी इनवर्स एंड सी को पुट कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास थी ए इज इक्वल टू सी बी इनवर्स, तो ए आ जाएगा, सी है हमारे पास 1, 2, 2, 6 इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स है 1 ओवर 2 2 माइनस 1 माइनस 4 3। अब यहां पे 1 ओवर 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूं या बाद में कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं यहां पहले स्टार्ट में लिख देता हूं, तो ये a आ जाएगा 1 ओवर 2 1 2 2 6 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 is 2 2 into -4 is -8। नेक्स्ट है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 into -1 is -1 एंड 2 into 3 is 6। नेक्स्ट है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 into 2 is 4 एंड 6 into -4 is -24। नेक्स्ट वी हैव सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 into -1 is -2 एंड 6 into 3 is 18। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो ए आ जाएगा 1 ओवर 2 2 माइनस 8 इज -6 -1 + 6 इज
5, 4 minus 24 is minus 20, minus 2 plus 18 is 16. अब अंदर मैट्रिक्स में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं उनको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा माइनस 6 इंटू 1 ओवर 2, 5 इंटू 1 ओवर 2, माइनस 20 इंटू 1 ओवर 2 एंड 16 इंटू 1 ओवर 2. नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को. माइनस 6 इंटू 1 ओवर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3, 5 इंटू 1 बाय 2, 5 बाय 2, माइनस 20 इंटू 1 बाय 2 आ जाएगा माइनस 10, एंड 16 इंटू 1 बाय 2 क्या आ जाएगा 8. तो ये a आ गया हमारे पास और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, उसको स्टार्ट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.